हेलो मेरे व्यूअर्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी गोलगप्पे की रेसिपी। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, पानी के साथ भरे हुए, खट्टे मीठे पानी के साथ बूंदी डालकर मैंने इसको प्रिपेयर किया है। एंड इसमें आटा और सूजी के साथ मिलाकर मैंने गोलगप्पे बनाए हैं। तो चले मैं आपके साथ भी मिलके बनाती हूँ ये गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 2.5 चम्मच के करीब है ये सूजी, बारीक वाली है। एंड पिंच से भी कम मैंने लिया है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, और गुनगुना पानी लिया है। पानी मैं जितने मुझे रिक्वायर्ड होगी उतना मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा तेल बाद में हाथ को लगा कर उसको मस लेंगे। अब एक बॉल ले लिया है मैंने, उसमें पहले गेहूं का आटा डालेंगे, सूजी, सोडा। इसमें नमक नहीं डालेंगे, अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो, सोडा भी आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहते हो तो आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाएगा गोलगप्पों में। मोन हम नहीं डालेंगे। अब हम गुनगुने पानी से इस आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंदना है, एकदम से पानी नहीं डालना सारा। एक एक दो दो चम्मच डाल के पानी को हमें इस आटे को गूंदना है। पूरियों के आटे से थोड़ा सा टाइट होता है गोलगप्पों का आटा, आपने उसी हिसाब से ही गूंदना है। आटे में हमने सूजी डाली है, सूजी डालने से गोलगप्पों में क्रंचीपन आ जाता है। आप सिर्फ आटे के भी बना सकते हो, लेकिन सूजी डालने से गोलगप्पों में क्रंचीपन आ जाता है। अब देखो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी लिया, मुझे लगता है 4 चम्मच भी नहीं लगे होंगे मेरे। इसको अब अच्छी तरह से मसल लेंगे। बहुत ही टाइट तो बनी है। अब देखिए मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चकला रख लिया है, इसके ऊपर मैं अपने आटे को मलूंगी हल्का सा पानी लगाकर हाथ में इस तरह से। आपको अच्छी तरह से आटे को मसलना है इस तरीके से। अभी देखो ये थोड़ा सा आटा जुड़ा हुआ नहीं है, इसको मिक्स करना है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। 7 से 8 मिनट तक आपको इस आटे को मसलना है इस तरह से हथेली के साथ। अब देखिए आटे को मलते हुए पूरा टोटल टाइम मुझे 7 से 8 मिनट लग गया है और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। अब मैं एयर टाइट कंटेनर में गीले कपड़े के साथ इसको बंद करके रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करवाऊँगी अपने आटे को, उसके बाद हम गोलगप्पे तलने की तैयारी करेंगे। देखिए आटे को गूंदे हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगाकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल लगाकर इसको हम बाइंड कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए।
अब इनको मैं 4-5 पोर्शन में इनको अलग अलग कर लूँगी, कंटेनर में रख दूँगी। एक पोर्शन की जितनी भी लोइयाँ बनी उससे हम गोलगप्पे तैयार करेंगे। इतने इतने छोटे छोटे पोर्शंस में देखिए इस तरह से मैं सभी तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। मैंने सभी को तैयार कर लिया है, अब इसको डबल कर लिया ताकि जल्दी हो जाए काम। इस तरह से अब मैं सभी लोइयों को गोल गोल करके ऐसे प्रेस कर लूँगी इस तरह से एक एक करके। आप चाहे तो एक रोटी बनाकर उसको किसी कटर के साथ काट सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह बनाने अच्छे लगते हैं। अब मैंने सारी लोइयाँ अपनी फ्लैट कर ली हैं राउंड करके एक साइज़ की। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, 2-3 ड्रॉप्स, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हाथों से कर लो, ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेड़े अपने आप में ना जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम लोइयों को बेल लेंगे, एक एक करके इसको बेल लेंगे। देखें थिकनेस इसकी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रे में मैं इसको रख लूँगी इस तरह से। आप चाहे गोल बना लो, चाहे आप ओवल शेप की बना लो, आपके ऊपर है, जैसी भी आपको पसंद है। पर बेलते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको पतली नहीं बेलनी है, नहीं तो आपके गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। मैंने सभी अपने गोलगप्पे तैयार कर ली हैं। तेल गर्म होने तक मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये ऊपर की जो हमारी परत है वो सूखे ना। अब देखिए गोलगप्पे बनाने में शुरू कर रही हूँ, एक एक करके डालो। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सरफेस ऊपर था उसको ऊपर रखना है, जो नीचे है उसको नीचे रखना है। और हीट का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे जब गोलगप्पे डालने हैं ना, ये वाला सरफेस ऊपर है तो इसको ऊपर ही रहने देना ऐसे, तो नीचे वाला जो सरफेस है उसको ऐसे नीचे डालो, तभी आपका गोलगप्पा फूलेगा, नहीं तो गोलगप्पा नहीं फूलेगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं अपने सारे गोलगप्पे तैयार कर लूँगी। तो हाँ, अगर एक एक नहीं डालना चाहते हो तो आप 3 इकट्ठे डाल सकते हो ऐसे, उससे भी आपके गोलगप्पे बन जाएंगे।
तीन में से दो फूल गए हैं, एक नहीं फूला, तो ये पापड़ी के काम आ जाएगा। पापड़ी भी चाहिए होती है ना, लेकिन बहुत अच्छे बन रहे हैं, कड़क बन रहे हैं एकदम से। देखिए यार, बोर्डों पे बहुत अच्छे बने हैं, आप इसी तरह ट्राई कर लीजिएगा। आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइएगा। बस इसी तरह से सारे अपनी बोर्डों पर तैयार करें। एकदम कड़क सभी गोलगप्पे मैंने तल के कर लिए हैं तैयार, बस इसमें से इतनी ही पापड़ी बनी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी गोलगप्पे बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताकर लिख के ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रब रखा, नमस्ते, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।